आज चूंकि गुरुपूर्व मनाया जा रहा है, सिखों का बेहद खास त्यौहार गुरुपर्व मनाया जा रहा है आज, और सिखों का खास त्यौहार जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये सीधी लखनऊ से तस्वीरें। तो गुरुद्वारा साहिब की ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी माथा टेकने के लिए। तो सीधी लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर गुरुद्वारा साहिब की। श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर ये आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम यहाँ पर, जहाँ पर आशियाना लखनऊ में गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ से सीधी तस्वीर न्यूज 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है। गुरु नानक महाराज जी के प्रकाश पर्व में शामिल हो रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें लखनऊ से प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए सीएम योगी पहुंचे हुए हैं आशियाना के गुरुद्वारा साहिब में। तो बेहद खास त्योहार सिखों की दीपावली इसे कहा जाता है, और गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर इसी क्रम में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है गुरुद्वारा साहिब में, जहाँ पर खास तौर पर खास अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी क्रम में माननीय महापौर श्री सुषमा खड़कवाल जी का स्वागत सरदार परविंदर सिंह जी व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर करेंगे। स्वागत उद्बोधन श्री परविंदर सिंह जी, कृपया स्वागत उद्बोधन दें। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन जोत इथे विराजमान है। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी बैठी सात संगत जी फतेह का जवाब गज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के महान यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सिख समाज को सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जो हमारे परिवार का अंग है, जिनको हम प्रेम से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह जी भी कहते हैं, ऐसे महान मुख्यमंत्री आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु महाराज शीश निवाने और अपना आशीर्वचन हम संगतों को देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति हेतु, उनके अमूल्य समय प्रदान किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में हमारे समक्ष सिख समाज का गौरव आदरणीय बलदेव सिंह औलख साहब, जो हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं, वो भी उपस्थित हैं, मैं उनको भी GIN कहना। हमारी लखनऊ की प्रथम नागरिक और हम लोग का संघर्ष जिनका साथ में रहा, ऐसी हमारी आदरणीय सुषमा खड़कवाल जी जो कि हमारी महापौर हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं सत्संगत जी चूंकि स्वागत उद्बोधन है, बहुत कुछ कहना, समा भी हर चीज का कीमती होता है, लेकिन मैं कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 6 वर्षों में सिख समाज को सम्मान दिया है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। महाराज जी, सिख समाज एक वफादार कौम है, एक राष्ट्रभक्त कौम है, ये जिसके साथ जुड़ती है तो उसके साथ अपनी जान दे के भी खड़ी रहती है। आपने हमको लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश का हृदय है, और उसके हृदय आलमबाग में हमें जो खालसा चौक की सौगात दी है महाराज जी, उसके लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। कितने ही फक्र की बात है
एक महाराजा रंजीत सिंह जी हुए थे जिन्होंने जैसे अमृतसर गुरुद्वारा साहब में स्वर्ण छत्र चढ़ाया था, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। न्यायप्रियता किसी शासक की देखनी हो तो जैसे भगवान राम की बात करते हैं, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह कालांतर में 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और सिखों की आबादी मात्र 6% और 51% मुस्लिम आबादी, 42% हिंदू आबादी, और 40 वर्षों तक प्रत्येक प्रजापालक जो होता है, आज मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी को देखता हूं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं ये देखता हूं चाहे आजमगढ़ का गुरुद्वारा हो चरण पादुका साहब, वहां 51 लाख रुपया देना हो जीर्णोद्धार के लिए, गोरखपुर के गुरुद्वारों के लिए धनराशि जारी करनी हो, अन्य जगहों पर जीर्णोद्धार कराना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास शब्द नहीं है। विशेष तौर पर एक आभार अवश्य ज्ञापित करूंगा आपके इस, मैं तो इसको पावन कार्यकाल कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश भी भारत का एक स्वर्णिम युग चल रहा है, जो आपने हमें राम मंदिर का, जो कि राष्ट्र का मंदिर है, वो सौगात दे रहे हैं, उसके लिए भी हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। क्योंकि राम मंदिर का जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सिख समाज को बहुत गर्व की बात है, दो उन्होंने उस पर मुख्य बिंदु लिए। एक, गुरु नानक देव महाराज ने 1510 में उस पावन धरती पे गुरु महाराज के चरण पड़े थे। दूसरा, 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निहंगों के विरुद्ध FIR दर्ज की थी, निहंगों ने वहां पे पूजा की थी। ये दो उदाहरण है जिसके कारण आज राम मंदिर का ये नतीजा आया है, तो सिख समाज के लिए गौरव की बात है। मैं सिख समाज से निवेदन करूंगा जयकारा लाके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, बोले सोनिहार। पुनः बहुत बहुत आभार, मैं आपका हृदय से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। इसी क्रम में माननीय मंत्री बलदेव सिंह औलख जी सिख समाज को अपना संबोधन देने का कष्ट करें। महाराज की हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। श्री गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे हुए हैं और गुरुद्वारा साहिब में पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मत्था भी टेका है। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे तो उस वक्त उनका सम्मान किया गया। गुरुद्वारा साहिब की तस्वीर आप देख रहे हैं क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है और इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के गुरुद्वारा पहुँचे हुए हैं। और हालाँकि गुरु नानक जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका सम्मान किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि लखनऊ के गुरुद्वारे से सामने आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, आज गुरु नानक जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में मौजूद। सत्संगत जी, फतेह दा जवाब फतेह नाल दो, वाहेगुरु जी का खालसा, फतेह नाल दो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज संपूर्ण विश्व साहिब श्री गुरु नानक देव जी साहिब जी का 514वां प्रकाश पर्व अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो लगातार ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ के गुरुद्वारा साहिब से, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं खास अतिथि के तौर पर। और गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व है आज और इसी खास मौके पर ये पूरा कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, जहां पर सीएम योगी के पहुंचते ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। और लखनऊ से ये सीधी लाइव तस्वीरें।